सिरसा में हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन पर कहा कि खंडित जनादेश की वजह से फैसला प्रदेश के हित में है, स्थायी सरकार के लिए फैसला अनिवार्य। जनता को नई सरकार बनने की बधाई दी, साथ ही संतुष्टि जताते हुए कहा कि स्थिरता के साथ सरकार चलना जरूरी है। मैं तो सारे विधायकों को, हरियाणा की जनता को और नई सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अब जब सब लोगों ने मिलकर के फैसला कर लिया है तो प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी दूर हो, भ्रष्टाचार दूर हो, प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए और सबका समान तरीके से विकास हो, भेदभाव कहीं दिखाई ना दे, ये भावनाएं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारे साथियों ने और हमने सबने मिलकर के जेजेपी को समर्थन दिया था और भी अच्छे लोगों को समर्थन दिया और बहुत से साथी उसमें से जीत के आए। देखिए, ये तो समय बताएगा उनकी क्या आपस में बात हुई है, किन मुद्दों को लेकर के क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड हुआ है या किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने समर्थन दिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रदेश की जनता यही चाहती है कि स्थिरता के साथ वो सरकार चलनी चाहिए और इसीलिए जो इंडिपेंडेंस थे लोगों ने उनको भी जिताया, लेकिन वो भी बहुत से साथी भाजपा को समर्थन देकर के आए, और भी चीज़ें थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति करीबन 2009 के अंदर बनी थी, उस समय भी 40 विधायक कांग्रेस के आए थे, बाकी तोड़फोड़ हुई थी। अब किन कारणों से और किन परिस्थितियों में जेजेपी ने समर्थन दिया है वो तो वही बता सकते।